बच्चों आज एक और कहानी देखते हैं कि इस कहानी में योग ने कैसे यूनाइटेड नेशन के गोल नंबर 12 को पूरा करने में मदद की। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। एक बिगड़ी बच्ची और उसकी माँ के साथ। निशा, हाँ मम्मी, तुमने आज फिर से फैन ऑन छोड़ दिया। कल से पक्का याद रखूंगी मम्मी, ये तो कल से सुन रही हूँ, कल से पक्का। ठीक है। अगले दिन। आज तुमने अपने रूम की सफाई नहीं करी है? थोड़ी देर में करती हूँ मम्मी। तुम कब अपनी जिम्मेदारी समझोगी? मुझे और भी काम होते हैं, तुम खुद अपना काम कर सकती हो और मेरी भी मदद कर सकती हो। हाँ बस थोड़ी देर में करती हूँ। टीवी और फोन के अलावा भी दुनिया है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। हाँ बस अभी रखती हूँ फोन। अगले दिन। ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? अपने कपड़े तुमने जमीन पर डाल रखे हैं, चूहे खा गए तुम्हारे कपड़े। ओह नो, सारे कपड़े खराब हो गए। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हो रहा है निशा। सॉरी मम्मी। फिर निशा के पास उसकी माँ आ जाती है। बात सॉरी की नहीं है निशा, तुम बड़ी हो गई हो, जिम्मेदार बनो। जी ओके मम्मी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी, तुम बड़ी हो गई हो, तुम खुद जिम्मेदार और समझदार बनो। सॉरी मम्मी। नहीं निशा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी, पक्का आपसे ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सब तुम दोबारा नहीं करोगी। मम्मी पता नहीं ये गैर जिम्मेदार वाला काम मुझसे कैसे हो जाता है, मैं करना नहीं चाहती। अच्छा ये बात है। हाँ मम्मी प्लीज मेरी मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले कोई भी जिम्मेदारी वाला काम शुरू करने से पहले फोन को साइड में रख दो। जी मम्मी। अष्टांग योग को फॉलो करो। अष्टांग योग को? हाँ अष्टांग योग। अष्टांग योग हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। अष्टांग योग का पाठ है स्वाध्याय और सत्य। स्वाध्याय और सत्य मतलब? स्वाध्याय मतलब खुद के बारे में स्टडी करना और सत्य मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मी अष्टांग योग के बारे में आपसे जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसके बारे में और भी जानने की इच्छा हो रही है। और जानने की इच्छा है तुम्हें तो खुद पढ़ो और योग क्लासेस ज्वाइन करो। ये ठीक रहेगा, मैं योग क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ। आप क्या कर रही हो फोन में? मम्मी अष्टांग योग पढ़ने के लिए पतंजलि योग सूत्र ऑर्डर कर रही हूँ। ओके बेटा। अगले दिन। मम्मी मैं योग क्लासेस जा रही हूँ। मम्मी मुझे योग करके काफी स्ट्रेस फ्री फील हो रहा है, मुझे योग करके काफी अच्छा लगता है। निशा अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है कि थैंक यू मम्मी मुझे योग के बारे में बताने के लिए, आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और योग ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। तो आज की कहानी से क्या सीखे हम? यही कि योग सेहत के साथ साथ दिमाग को भी शांत और स्वस्थ बनाता है, जिससे एक गैर जिम्मेदार इंसान भी जिम्मेदार बन सकता है। मुझे लगता है कि आज की ये कहानी आपको अच्छी ही लगी होगी। कहानी को देखने के लिए धन्यवाद।